जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है पूजा के दीपक की बची हुई बत्ती का क्या करें जिससे मिले शुभ फल। देखिए, आज हमारे पास अनेकों भक्तों के प्रश्न आए हैं, फोन कॉल्स आए हैं और प्रायः सभी ने एक बात पूछी है कि महाराज जी, पूजा पाठ में जो सुबह शाम हम कर रहे हैं, इसमें दीपक जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, भोग इत्यादि लगाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, तो इसमें पूजा की बत्ती बच जाती है? क्योंकि पूरी बत्ती तो कभी कभी ही जलती है, बत्ती बच जाती है, धूपबत्ती का निचला हिस्सा भी बच जाता है जो कि जल नहीं पाता है, कई बार देखा गया अगरबत्ती का भी निचला हिस्सा बच जाता है, फूल माला और फूल इत्यादि हम चढ़ाते हैं ये भी सूख जाते हैं, भोग इत्यादि लगाते हैं ये भी बचा हुआ रहता है। तो हमने देखा है कि अनेकों अनेक भक्त प्राय करते क्या है कि अगले दिन जब पूजा करते हैं तो इन सब चीजों को इकट्ठा करके घर के कूड़े में फेंक देते हैं या घर के डस्टबिन में डाल देते हैं। ये अत्यंत गलत है, आपको इससे बचना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ईष्ट, आपके देवता अत्यंत कुपित होते हैं, नाराज होते हैं, क्योंकि पूजा की जो बची हुई सामग्री होती है, बत्ती इत्यादि होती है, धूपबत्ती इत्यादि होती है, फूलमाला इत्यादि होती है, इसमें आपके ईष्ट और देवता का आशीर्वाद सम्मिलित होता है, इसमें भी आशीर्वाद का अंश होता है। इसको अगर आप घर के कूड़े में मिलाएंगे, डस्टबिन में डालेंगे, तो आपको मालूम है कि ये अपवित्र स्थान पर जाएगा, इसके ऊपर लोगों के पैर पड़ेंगे, अशुद्ध जगह पर जाएगा, जिसका कि आपको गलत फल मिलेगा, पाप पड़ेगा। क्योंकि पूजा की जो बची हुई सामग्री होती है ये भी अत्यंत पवित्र मानी गई है, इसमें अपने देवता और इष्ट का आशीर्वाद होता है। आप अपने जीवन में ऐसी गलती ना करें, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। फिर अनेकों भक्तों के हमारे पास फोन आते हैं और कहते हैं कि महाराज, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत दीपक जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हमारी भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे, हमारी मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो रही, क्या भगवान हमसे नाराज हैं? ऐसा करने से आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। आपको करना क्या है कि जब आप नित्य पूजन करते हैं तो इन सामग्रियों को, जो बची हुई चीजें हैं, चाहे वो दीपक की बत्ती हो, धूपबत्ती का हिस्सा हो, अगरबत्ती हो, फूलमाला हो, भोग का हिस्सा हो, या आपने कोई अपने घर पर हवन इत्यादि किया है तो उसकी बची हुई राख इत्यादि होती है, तो इन सबको आपको करना क्या है, एक पात्र बना लेना है या एक बड़ी पॉलीथिन की थैली टांग ले एक जगह पर और उसमें इन सब चीजों को इकट्ठा करते चलें, और धीरे धीरे जब वो पात्र भर जाए या थैली भर जाए, ऐसा प्रायः कम से कम एक महीने में होगा, तो उसके बाद आपको उस पात्र को या उस थैली को किसी पवित्र स्थान पर डालना है, प्रवाहित करना है। इसको जो डालने का सबसे अच्छी जगह मानी गई है वो बहता हुआ पानी, नदी, तालाब इत्यादि माना गया है। हालांकि किसी नदी में इन सब चीजों को डालना प्रदूषण की दृष्टि से ठीक नहीं है, परंतु शास्त्रों में ऐसा ही विधान है, इसको बहते हुए पानी में डालना, तालाब में डालना या किसी शुद्ध स्थान पर
इसको डालना। अगर आपके घर में, घर के आसपास ऐसा कोई जगह नहीं है, बहता हुआ पानी नहीं है, तालाब इत्यादि नहीं है, तो आप इसको अपने घर के किसी कच्चे स्थान पर गड्ढा करके दाब दें, जिससे कि ये कुछ समय बाद मिट्टी या खाद में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर आपके घर में, आपके घर में कोई कच्चा स्थान नहीं है, तो आप अपने घर के पास किसी मंदिर में या किसी पार्क में या किसी निर्जन स्थान पर जहाँ कच्चा स्थान हो, वहां पर आप जाएं और वहां खुरपी इत्यादि से थोड़ा सा गड्ढा करके उसको वहां दाब दें, जिससे कि वो निकट भविष्य में मिट्टी में और खाद में बदल जाएगा। इसका यही एक सटीक उपाय है। और अगर आपके घर के पास अगर कोई ऐसा स्थान नहीं है और घर में भी नहीं है कोई कच्चा स्थान, तो इसका एक दूसरा उपाय भी है। आपको करना क्या है, ये जो बची हुई सामग्री महीने भर की इकट्ठी हुई है, इसको किसी पात्र में, तसले में, कढ़ाई में डालकर उसके ऊपर कपूर डाल दें और अग्नि में प्रज्वलित कर दें। अग्नि में प्रज्वलित होने के बाद इस सारी सामग्री का छोटा सा अंश एक राख के रूप में बदल जाएगा। इसको आप अपने घर के किसी गमले इत्यादि में डाल सकते हैं। और घर में गमला नहीं है तो किसी भी पार्क में, किसी भी जगह, वहां आप हल्का सा गड्ढा करके उसको खाद के रूप में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि पूजा की इस बची हुई सामग्री में आपके ईष्ट और आपके देवता का आशीर्वाद होता है। तो ऐसी गलती आप अपने जीवन में ना करें, जिससे कि आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त ना हो पाए। और जो दीपक आप जलाते हैं उसको भी नित्य प्रतिदिन साफ करके, जैसे पीतल का दीपक होता है, तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही दीपक में रोज एक नई बत्ती डाली और जला दिया। उस दीपक को भी प्रतिदिन आपको पानी से साफ करना है, स्वच्छ करना है, उसके उपरांत ही आप दीपक जलाएं। ये पूजा पाठ की छोटी छोटी गलतियां आपके पूजा पाठ के फल को नहीं मिलने देती हैं। इन सब गलतियों को आप बिल्कुल ना करें और इस वीडियो में बताए गए उपाय से ही उसका उपाय करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और अपने इस प्रिय चैनल द एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।